हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम देसी घी बनाएंगे। देसी घी मक्खन को गर्म करके बनाया जाता है। तो या तो हम मार्केट से अनसॉल्टेड बटर ले लें या फिर मक्खन को घर पर निकाल के तैयार कर लें। देसी घी बनाने के लिए मैंने यह घर का मक्खन लिया है। तो आइए देसी घी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कढ़ाई लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें मक्खन डालेंगे। मक्खन बनाने की रेसिपी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मक्खन मेल्ट हो गया है। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते रहेंगे ताकि मक्खन कढ़ाई में लग ना जाए। मक्खन को हम जब तक पकाएंगे जब तक मिल्क सॉलिड और क्लियर घी दोनों अलग नहीं हो जाते। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते रहेंगे। ध्यान रखेंगे घी को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे वरना घी जल सकता है। आप देख सकते हैं मक्खन काफी पक गया है और इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम मक्खन को थोड़ा सा और पकाएंगे। आप देख सकते हैं मिल्क सॉलिड और घी दोनों बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं घी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे किसी भी स्टील की छलनी में छान लेंगे। यहाँ मैंने घी को छानकर बोल में अलग निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा घी बनकर तैयार हुआ है। आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।